हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी का सीसेट का पेपर का पूरा आंसर की देखेंगे कि कौन कौन से आंसर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक पैसेज दिया गया था पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के ऊपर, तो उस पर चार ऑप्शन थे। तो उन चारों ऑप्शन को पहले देख लेते हैं कि हमें पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज़ नॉट बीन टेकन सीरियसली बाई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको सीरियसली लिया गया है पॉलिटिक्स के द्वारा, और इसके लिए बहुत सारे काम भी किए गए हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी किए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बी है हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। बियॉन्ड रिपेयर नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी सहायता से इसको कम भी किया जा रहा है, तो बी भी गलत हो गया। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्राइवेशन हैव दियर रूट्स इन बैड इकोनॉमीज। देखिए, इस ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ बैड इकोनॉमीज की बात की गई है, लेकिन जगह जब हम पैसेज पढ़ते हैं इसको, तो इसमें लिखा गया है नंबर ऑफ रॉन्ग्स सच एज इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ रिकग्निशन, तीन चार चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बैड इकोनॉमीज को दोषी ठहराया गया है, तो ये नहीं सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इट इज़ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ एबो पैसेज द फॉलोइंग एजम्पन हैव बीन मेड। दो स्टेटमेंट है, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को हटा देने से सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हट जाएगी, गलत हो जाएगा। सेकेंड है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज़ द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। क्या सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटी की वजह से ही हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को सही किया जा सकता है? ये भी सही नहीं होगा। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। सेकेंड पैसेज है एजुकेशन के ऊपर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबो पैसेज दो एजम्पशन दी हुई थी, उनको हमें बताना था कि कौन सा वैलिड है। फर्स्ट है, अ सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मॉडर्न सोसाइटी। ये सही नहीं है। विदाउट एक्वायरिंग कल्चर ए पर्सन एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट, ये बिल्कुल सही सही है। तो इसका दो, सेकेंड ऑप्शन ओनली करेक्ट होगा, बी। थर्ड पैसेज था, सॉइल के ऊपर, इन विच नीली ऑल आवर फूड ग्रोज इन ए लिविंग रिसोर्स दैट टेक्स ईयर टू फॉर्म। तो इसके ऊपर फोर्थ क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर तीन स्टेटमेंट थी, उनमें बताना था कि कौन सा वैलिड है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। सही है, सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक, मैनमेड है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ पैसेज है, फोर्थ पैसेज के ऊपर फिफ्थ क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा वैलिड है। तो इसका थर्ड ओनली हो जाएगा, फिफ्थ का थर्ड हो जाएगा। इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट देन बाय डायरेक्ट एम्पेरिकल मेथड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिफ्थ है पैसेज है, इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही बताना था, तो हम इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स पैसेज है, उसके ऊपर सेवन्थ क्वेश्चन था, चार ऑप्शन दिए थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिम्स बींग यूज बाई डिफरेंट स्पीसीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेवन्थ पैसेज है, उसके ऊपर चार स्टेटमेंट थी, आपको बताना था कि कौन सा वैलिड है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट वैलिड है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइम्स द फाइव विल अपियर वाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 से 1000 तक के बीच में, आपको ये बताना था कि पांच कितनी बार आ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 100% सही है, 300 बार आ रहा है।
सॉलिड क्यूब के ऊपर क्वेश्चन था कि आप हमको ये बताना था कि हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस्ड पेंटेड के ऊपर था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेवेंथ क्वेश्चन था कि ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, ए ये है और ये बी है, इसको इसके ऊपर रखा जाता है तो 60% वेट इंक्रीज हो जाता है, जब हटाया जाता है तो कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, इंक्रीज बाई 60%, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। देखिए जब इसके ऊपर रखा जाता है तो 60% इंक्रीज होता है, यानी कि इसका 160% हो जा रहा है, कितने से 100 से, इंक्रीज कितना हुआ है 60%, कितने से 160 से गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा 37.5%। मिस्टर एक्स हैज थ्री चिल्ड्रन, C1, C2, हम C3 मान लेंगे, तो ये बताना था फिफ्थ मंडे ऑफ अप्रैल फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न, सेकंड के लिए फिफ्थ थर्सडे ऑफ नवंबर, थर्ड चाइल्ड के लिए 20 दिसंबर को था, तो वो दिन बताना था, तो इसका बी आ जाएगा थर्सडे। तीन स्टेटमेंट दी थी, उनके ऊपर कंक्लूजन आपको निकालना था, तो इसका सम कैट्स आर रेड सही हो जाएगा आंसर, ओनली थर्ड सही होगा। 14th क्वेश्चन था, पैरेललोग्राम के ऊपर चार भुजाएं होती हैं इनकी, कैन बी फाउंड फॉर्म ए सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइंस, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24। सॉरी इसका 36 का सी ऑप्शन सही होगा, सॉरी 14 का 36 होगा आंसर। फिफ्टींथ क्वेश्चन था, फिफ्टींथ क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन सही। 16th है, व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग 12 किलोमीटर मार्क सी वाज इन्फॉर्म दैट सी हैज, मेनली ये है कि 80% दिया है 12 के बराबर, तो 100% आपको निकालना है, तो ये 12 अपॉन 80 इन मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 आंसर, बी हो जाएगा आंसर इसका। 17th है, सॉरी सेवनटीन्थ है, राजू हैज 900 विद हिम एंड ही वॉन्ट्स टू बाई ए मोबाइल हैंडसेट, 9,000 है, ही हैज ओनली 75% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाई द हैंडसेट, देयरफॉर ही बोरोज 2,000 फ्रॉम ए फ्रेंड, तो हम 9,000 के अगर 75 निकालेंगे 75%, और इसमें 2,000 भी जोड़ देंगे तो भी 9,000 से कम आता है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 2002 मीनू एज वॉज 1/3 ऑफ दैट ऑफ मीरा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 19th का आंसर सी हो जाएगा 210। 20th का आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट हैं। एक पैसेज दिया गया था, उसके ऊपर 21st क्वेश्चन था, चार स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, उसमें आपको सही कौन सा है ये बताना था, तो इसका डी हो जाएगा। एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट टू इंटरनेट सिक्योरिटी फ्रॉम सम डिवाइसेस, इसका ये हो जाएगा। फिर पैसेज था, उसके ऊपर कुछ ऑप्शन थे, उनको बताना था सही कौन सा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट डिजिटल सॉवरेंटी इन ग्लोबल ट्रेड रिस्क। 23rd था, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डेफिनेटली इम्प्लाइड बाई द एबो पैसेज, बिग डाटा इज द की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस। फिर पैसेज थर्ड था, उसके ऊपर 24th क्वेश्चन था, चार ऑप्शन दिए थे, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
द एबव पैसेज इम्प्लाइज दैट देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया पोटेंशियल प्रॉब्लम सेकेंड इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डाइजेस्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड ओनली पैसेज फोर था उसके ऊपर 26 क्वेश्चन था तीन स्टेटमेंट थी आपको वैलिड कौन सा है वो बताना था तो इसका सी ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 स्टेटमेंट दोनों सही है फिर एक पैसेज दिया था उसके ऊपर तीन स्टेटमेंट थी कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है ये बताना था इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्या था सेकंड द प्रेजेंट इंडियन स्कूल सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड इगैलिटेरियन एजुकेशन ये बिल्कुल सही है टीबी के ऊपर एक पैसेज था उसको पढ़ लेते हैं एक बार अ मेजोरिटी ऑफ टीबी इन्फेक्टेड इन इंडिया आर पुअर एंड लैक सफिशियंट न्यूट्रिशन बिल्कुल सही है सुटेबल हाउसिंग एंड हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेंशन टीबी देन डिवेस्टेड फैमिली मेक्स द पुअर पुअरर पर्टिकुलरली अफेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीड्स टू ऑस्ट्रेसिएशन एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट द ट्रूथ इज दैट इवन टीबी डजंट किल देम हंगर एंड पॉवर्टी विल Another truth is that deep-seated stigma, lack of counseling, expensive treatment, and lack of adequate support from providers and family, coupled with torturous side effect, demonstrate patient to continue treatment will disaster health consequences. तो इसके ऊपर चार स्टेटमेंट थी तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस डायग्नोसिस के अलावा इनको काउंसलिंग न्यूट्रिशन की जरूरत होती है देन मेडिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ये ऑप्शन सही होगा इसका ट्वेंटी नाइन्थ है अ फाइव स्टोरी बिल्डिंग विद फ्लोर्स फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ इज पेंटेड यूजिंग फोर डिफरेंट कलर्स एंड ओनली वन कलर इज यूज टू पेंट ए कलर तो तीन स्टेटमेंट थी तो इसका स्टेटमेंट बताना था कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा स्टेटमेंट थ्री इज नॉट सफिशियंट बट स्टेटमेंट थ्री अलॉन्ग विद स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट थर्टीथ क्वेश्चन है पी क्यू आर थ्री टाउन्स हैं द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60 किलोमीटर तो ये इसमें ये दिया गया था हम फोर्थ लाइन पर पढ़ेंगे क्यू इज इन द वेस्ट ऑफ पी पी यहाँ है तो क्यू वेस्ट में है कितनी डिस्टेंस है ये देखना है 60 किलोमीटर है आर इज द साउथ ऑफ पी तो आर कहाँ है साउथ ऑफ पी है कितना है पी और आर के बीच में डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर ये बताना था हमको 100 आ जाएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा थर्टी फर्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन होटल ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइट सीइंग वेयर इज 10% took rest in the hotel which of the following conclusion can be drawn from the above data to iska first conclusion drawn ho sakta hai only in a school 60% student play cricket a student who doesn't play cricket plays football every football player has got a two wheeler which of the following conclusion cannot be drawn from the above data to isme hoga first 60% of students do not have two wheel chair. No cricketer has a two wheel chair. ऐसा नहीं है कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी होंगे जो फुटबॉल खेलते होंगे उनके पास टू व्हील चेयर होगी थ्री क्रिकेटर्स क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल ऐसा भी नहीं है तो इसका कौन सा सही हो जाएगा तीनों कंक्लूजन इसमें नो क्रिकेटर हैज ए टू व्हील चेयर सही है 60% ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हील चेयर और क्रिकेटर क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल रेशो ऑफ टू डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इस डिजिट इज 4:7 देखिए क्या होता है टू डिजिट नंबर 10x+y रिवर्स कर देने के बाद क्या हो जाता है 10y+x इसका रेशो क्या दिया है 4:7 ये सॉल्व करेंगे तो x रेशो y आ जाएगी आपकी 1:2 तो दो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे इसके इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क मोर देन बी
इफ़ बी हैज़ स्कोर 5% लेस देन हाउ मच बी स्कोर, तो इसका आ जाएगा 380। बी ऑप्शन करेक्ट करेक्ट होगा। थर्टी फाइव का हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 जनवरी हो जाएगा। थर्टी सिक्स है एक्स वाई जेड आर थ्री कंटेस्टेंट इन रेस ऑफ 1000 मीटर, एज्यूम दैट ऑल रन विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, एक्स गिव्स जेड ए स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, इफ वाई एंड जेड वर टू कंप्लीट रेस ऑफ 1000 मीटर हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट विल वाई टू जेड, तो इसका देख लेते पहले। 1000 मीटर की रेस है, एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, यानी कि वाई अगर शुरू कर रहा है तो ये एक्स यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस है 40 मीटर। एक्स गिव्स जेड ए स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, तो इसका आ जाएगा ये 25 मीटर के करीब आ जाएगा। इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 40, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्टी एट का टी हो जाएगा आंसर। थर्टी नाइन का भी डी आंसर सही हो जाएगा, 30% हो जाएगा। फोर्टी का 39.7 हो जाएगा। फिर एक पैसेज है उसके ऊपर क्वेश्चन है 41, पढ़ लेते हैं पहले। What stand in the way of the widespread and careful adoption of genetic modification technology is an intellectual property right regime that seeks to create private monopolies for such technology. If genetic modified technology is largely corporate driven, it seeks to maximize profit and that too in the short run. That is why corporation makes major investment for herbicide tolerant and pest resistant crop. Such properties have only a short window. As soon enough pest and weeds will evolve to overcome such resistance, this suits the corporation. The National Farmer Commission pointed out that priority must be given in genetic modification to the incorporation of genes that can help impart resistance to drought, salinity and other stresses. तो अब इसके ऊपर देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। Public research institutions should take the lead in genetic modified technology and prioritize the technology agenda. First option, developing countries should raise the issue of in WTO and ensure the abolition of intellectual property right. ये तो नहीं हो सकता। See here, private corporations should not be allowed to do agri business. ये भी गलत है। Present Indian circumstances do not favor the cultivation of genetic modified crop. इसका A statement सही है, A option सही होगा। फिर एक पैसेज दिया गया था उसके ऊपर 43rd क्वेश्चन था, पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर हार्मफुल, ब्रिटेन्स इन्वेजिव प्लांट आर नॉट वाइड स्प्रेड, नॉट स्प्रेडिंग स्पेशली क्विकली एंड ऑफन लेस ऑफ ए न्यूसेंस देन विग्रस नेटिव सच एज ब्रैकन, द अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन अ रीजन, इन मैनी केसेज ए फ्लड ऑफ न्यू कमर ड्राइव्स नो नेटिव स्पीसीज टू एक्सटेंशन, वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स टेंड टू कॉलोनाइज डिस्टर्ब हैबिटेट लाइक पोल्यूटेड लेक एंड मोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड वेयर लिटिल एल्स लिव्स, दे आर नेचर्स अपॉर्चुनिस्ट। इसके ऊपर अब चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट है। इनवेजिव स्पीसीज शुड बी यूज्ड टू रिहेबिलेट
डेजर्ट एरिया एंड वेस्टलैंड ऑफ ए कंट्री, लॉज अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट आर अननेसेसरी, समटाइम द कैंपेन अगेंस्ट फॉरेन प्लांट आर पॉइंटलेस, फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पैसेज थ्री है, इसके ऊपर 44th क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा पहले। डायरिया डेथ अमंग इंडियन चिल्ड्रन आर मोस्टली ड्यू टू फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, यूज ऑफ कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर एंड अनसेफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, पुअर हाइजीन इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फूड आइटम टू फूड कुक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स, देर आर मेरियड फैक्टर दैट नीड रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग, पीपल नीड टू हैव अवेयरनेस ऑफ एडल्ट्रेशन एंड वेज ऑफ कंप्लेनिंग टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज, सर्विलांस एंड फूड बॉर्न डिजीज इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एंटेल्स ए गुड ट्रेनिंग ऑफ इंस्पेक्शन स्टाफ, कंसिडरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दैट डिपेंड ऑन स्ट्रीट फूड फॉर इट्स डेली मील्स, इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। पढ़ लेते हैं कौन कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। फूड सेफ्टी इज ए कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर ए मल्टी प्रॉन्ज्ड सोल्यूशन, सही है। ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्विलांस एंड ट्रेनिंग, इंडिया नीड्स टू मेक सफिशियंट लेजिस्लेशन फॉर ग्रोइंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसका तीनों करेक्ट हो जाएगा। फिर एक पैसेज दिया गया है, उसके ऊपर चार ऑप्शन है, करेक्ट बताना है। पैसेज पहले पढ़ लेते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन नेग्लेक्टेड इन प्लानिंग ऑफ आवर सिटीज, ओके, आवर सिटीज आर इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट अनसेफ एंड अनवायबल प्लेसेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन एंड येट वी कंटिन्यू टू प्लान वाया द ओल्ड वेज, द स्टेटिक डेवलपमेंट प्लान दैट रोज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्टीज डिस्टेंस्ड फ्रॉम पीपल्स लाइव एक्सपीरियंस एंड नीड्स एंड एक्टिवली एक्सक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्लेसेज एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसज दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिटी। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। अगेंस्ट द पैसेज सीम टू आर्ग्यू अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इलाइट ग्रुप, अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज, इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वीक किंग क्लास एंड पुअर पीपल, इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ग्रुप इन सिटी प्लान। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर एक पैसेज दिया गया है। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर विद बियरली 10% एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वी आर बींग कन्विंस्ड दैट विग्रस इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरेटिंग सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, बट दिस इज नॉट सो। When our economy was growing at 3% per year, employment in the organized sector was growing at 2% per year. As the economy began to grow at 7-8%, the rate of growth of employment in the organized sector actually declined to 1% per year. Okay, तो चार स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। Most of modern economic growth is based on technological progress. Much of modern Indian economy doesn't nurture sufficient symbiotic relationship with labor-intensive, nature-resource-based livelihood. Service sector in India is not very labor-intensive. Literate rural population is not willing to enter organized sector. ये हो जाएगा। C option इसका correct है। 47 क्वेश्चन एक पैसेज के ऊपर था, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्टी एट क्वेश्चन एक सीरीज के ऊपर था, तो ये आपको बताना था कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका 132, 139, 124 इनके बीच में डिफरेंस देखना है कि कितना कितना हो रहा था। तो 132 से 139 के बीच में कितना गैप आ रहा है, -3 का। 129 से 124 के बीच में -5 का आ रहा है। 124 से 117 के बीच में -7 का आ रहा है। 117 से 106 के बीच में 11 माइनस, 106 से 93 के बीच में 13,
93 से लेके 17 के बीच में कितना गैप आएगा? तो ये आएगा, ये प्राइम नंबर्स हैं तो ये 17 का आएगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा। तो 93 में से हम 17 घटा देंगे, 13 में से 7 गए 6, 8 में से 1 गए 7, 76 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 इज इन ऑप्शन सी। क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन था, 5:36 PM इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 50 क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सीक्वेंस बताना है आपको, ये बहुत ही आसान सीक्वेंस तक बताने की जरूरत नहीं है, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्टी टू क्वेश्चन है, 15 पीपल हैं, 7 रीड फ्रेंच, 8 रीड इंग्लिश, 3 ऑफ देम कैन नीदर ऑफ रीड दीज टू लैंग्वेज। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, ये तीन ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं सात में से, तो ये चार हुए। 8 इंग्लिश पढ़ते हैं जिसमें से तीन नहीं पढ़ते हैं कुछ भी, तो ये पाँच हुए। 5 4 9 हुए ऐसे जो सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 9 होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। प्रिंटर वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1050, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका 54 kg सही होगा। 56, आपके पास 1, 10 और 50 के नोट्स हैं, आपको 107 रुपये पे करने हैं, तो आप कितने कितने टाइप से आप कर सकते हैं? तो इसका 19 करेक्ट होगा, सॉरी एक मिनट रुकिए, इसका 16 करेक्ट होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन सही होगा। इसको कैसे करेंगे, या तो 1 1 रुपये के सिक्के आप 107 दे दें, या तो 50 प्लस 50 प्लस 7 दे दें, या तो 50 प्लस 10 रुपये के नोट और प्लस 7, ये कॉम्बिनेशन करके 16 आ जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी हो जाएगा 58 का। 59 का डी होगा आंसर, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009, तो इसका 2015 हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 60 का, 61 एक पैसेज के ऊपर था, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। 62 पैसेज के ऊपर ही था, तो इसका वन ओनली करेक्ट होगा। 1 पैसेज के ऊपर 63 क्वेश्चन था, तो इसके तीन ऑप्शन थे, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेबीज ऑफ मेल नरिश्ड मदर्स शुड बी फैट विद डेरी मिल्क फोर्टिफाइड विद सियलेटेड ओलिगोसैकेराइड इंस्टीड ऑफ मदर मिल्क। सिक्सटी फोर का बी हो जाएगा। पैसेज दिया गया है, उसके ऊपर तीन स्टेटमेंट है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। 65 का, 66 का पैसेज के ऊपर था, तो इसका थर्ड ओनली स्टेटमेंट सही होगा। ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द अर्थ नेचुरल रेजिलियंस, एक पैसेज के ऊपर था। 67 क्वेश्चन, तो इसका 1 और 4 स्टेटमेंट सही होगा, वैलिड होगा। 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस 1573, इसमें हाउ मेनी फाइव्स, ये तो बताने की जरूरत नहीं, एक हो जाएगा इसका। 71 क्वेश्चन,
था ए ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाइफ ऑफ एफ भी हो जाएगा, ग्रैंड मदर ऑफ ए हो जाएगा और आंट ऑफ सी हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 72 क्यूब का क्वेश्चन था, ईच फेस ऑफ ए क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन बी क्यूब बी पेंटेड, तो इसका 72 का इसका आंसर हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा सही 72 का। 73 है, इन हाउ मैनी ट्रिपलेट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस सिक्स, सिक्स के लिए क्या इक्वेशन बन सकती है, कैसे कैसे आ सकता है, 1 + 2 + 3 एक कॉम्बिनेशन ये है, एक है 2 + 2 + 2 एक ये कॉम्बिनेशन है, और एक है 1 + 4 + 1, तो इससे टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 74 का 9 हो जाएगा, 75 का सी हो जाएगा, 76 फिफ्थ हो जाएगा, 77 डी हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा, 79 दो स्टेटमेंट है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमिन, और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बी, वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट। तो ये 80 क्वेश्चन थे, इसमें से कम 75 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।